हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का सिविल जॉइंट में। हमारी जो आर्ट एंड कल्चर की सीरीज चल रही थी उसी को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने इंडियन मार्शल आर्ट को कंप्लीट कर लिया है, वो टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। इसमें हम नया टॉपिक चालू करेंगे, इंडियन पपेट्री। पपेट्री कठपुतली होती है, उसके बारे में थोड़ा इंट्रो देखेंगे और उसके क्लासिफिकेशन देखेंगे। इसकी PDF हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो इंडियन पपेट्री जो कठपुतली है, अगर हम देखा जाए तो एंशंट टाइम में उसका जो प्रूफ मिला है हड़प्पन और मोहनजोदाड़ो में भी मिला है। उसमें कुछ टेराकोटा फिगर्स मिले हैं पपेट टाइप के, जिसमें सॉकेट्स अटैच है, जिससे उसे कंट्रोल करने के लिए सॉकेट्स अटैच्ड है। तो हम देखा जा सकता है हड़प्पन और मोहनजोदाड़ो में भी इसके प्रूफ मिले हैं। तो अगर ऐसे स्टेटमेंट आएगी पपेट इंडियन पपेट्री के प्रूफ हड़प्पन और मोहनजोदाड़ो टाइम में या इंडस वैली सिविलाइजेशन टाइम में मिले हैं, तो स्टेटमेंट सही होगी। ठीक है गाइस। अच्छा, अगर वैसे रिटर्न इसका प्रूफ देखा जाए तो ओल्डेस्ट रिटर्न प्रूफ मिला है इसका शिल्पादि करम में। ये तमिल पोयम है जो 1st सेंचुरी से 2nd सेंचुरी के बीच में लिखी गई थी। तो याद रखिएगा, शिल्पादि ग्राम में फर्स्ट रिटन ओल्डेस्ट प्रूफ है शिल्पादि ग्राम, तमिल पोयम है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है। फिलोसफिकल इम्पोर्टेंस जो इसका देखा गया है इंडियन कल्चर के अंदर पपेट्री का, इसमें अगर भगवत पुराण में देखा जाए तो जो गॉड को पपेट्रियर बताया गया है, जो कि 3 धागे से 3 स्ट्रिंग से यूनिवर्स को कंट्रोल करता है, सत्ता, राजा और तमा। ठीक है। उसी तरीके से इंडियन थिएटर के अंदर भी नरेटर को सूत्रधार बताया गया है, होल्डर ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है, इंडियन पपेटर के अंदर। तो ये फिलोसफिकल तरीके से देखा जाए तो लिंक कर रहा है। ठीक है। अच्छा, डिक्लाइन कैसे हुआ इसका, जो लेक ऑफ डिवोटेड ऑडियंस मिल गई होने लग गई, मतलब मॉडर्न टाइम्स में क्या हुआ, जो डिवोटेड ऑडियंस मतलब मॉडर्न लोग, हम हमारी तरह के लोग जो नए जनरेशन के हैं, इसको पसंद करना कम कर दिया और हम टेक्नोलॉजी की तरफ चले गए और फाइनेंशियल सिक्योरिटी इसमें ख़त्म हो गई। पहले लोग देखते थे तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी थी, तो इस वजह से इसका डिक्लाइन हो रहा है। अच्छा, क्लासिफिकेशन देखेंगे। इंडिया में इसको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, स्ट्रिंग पपेट, शेडो पपेट, ग्लो पपेट और रोड पपेट। स्ट्रिंग मतलब धागे से एक शेडो परछाई के थ्रू की जाती है, ग्लव्स मतलब ग्लव्स पहन के की जाती है, और रोड पपेट एक मतलब रोड में फंसा के पपेट का थिएटर किया जाता है। ठीक है। ये इसके सब पार्ट्स हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो इस कैटेगरी में आती है। तो इसको हम आगे के लेक्चर में देखेंगे एक एक करके, और किस किस स्टेट में आती है और क्या इसके फीचर्स हैं, हम सब देखेंगे। ठीक है गाइस। तो इसमें इस लेक्चर में छोटा सा इंट्रोडक्शन का चैप्टर था, इसमें 2-3 पॉइंट है। हड़प्पन मोहनजोदाड़ो वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, और शिल्पादि करम वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और ये थ्योरेटिकल है, मेंस में आप लिख सकते हैं अगर चाहे तो। ठीक है गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, शेयर विद अदर टू एक्सपेंड नॉलेज, सेव टाइम, सेव वाइल्ड लाइफ एंड प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट। थैंक यू।